एसपी क्यू है तो ये क्या दिया हुआ है, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सम ऑफ क्यू टर्म्स पी दिया हुआ है तो क्या होगा, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये हो गया, अब क्या कह रहा है, ठीक है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म चाहिए, ओके, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म चाहिए। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म निकालने के लिए क्या होगा बताओ, पी प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही चाहिए हमको, है ना। यस सर, यस सर। अब इन दोनों को एक काम करो, देखो क्या हो सकता है ना, इन दोनों को जरा माइनस करके देखो क्या आता है, इन दोनों को माइनस करो देखो क्या आता है, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, टू ए पी बाई टू माइनस क्यू बाई टू पी इंटू पी, ये ऐसा लग रहा है ऐसा सेम क्वेश्चन किया था क्या, माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन बाई टू, एक काम करते हैं ना इस टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना उधर, ठीक है, इंटू डी। यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ सर, उधर ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया का और बोर्ड माइनस, नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा मतलब, वो साइड का लास्ट में जो आप लिख रहे थे। एक मिनट रुक, अभी दिख रहा है क्या, हाँ सर, अभी देखो। देखना टू पी और टू क्यू और माइनस कर दिया, तो यहां तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। अभी देखो, टू क्यू माइनस टू पी इज इक्वल टू टू ए पी माइनस क्यू प्लस, यहां पर देखो क्या लिखा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, आई थिंक ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था, पता नहीं मुझे लग रहा है तो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग है, ठीक है। थोड़ा अलग। तो अभी देखो पूरे में से p माइनस क्यू बाहर आ गया, यहां आ गया माइनस टू इज इक्वल टू टू ए प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो इस पूरे टर्म की, अच्छा उस दिन इसकी वैल्यू जीरो आ गई थी, तो इसकी वैल्यू आ गई ना माइनस टू, तो s p प्लस क्यू कितना आ गया, माइनस पी प्लस क्यू, क्लियर है क्या। क्लियर है। यस सर, आंसर चेक कर लेना, आंसर सही निकाला है ना मैंने, गलत निकाल दिया है। सही है सर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था, ये बार बार क्वेश्चन था ना, हाँ सही है आंसर, क्लियर है मैंने कैसे किया। हाँ सर, सर लिख रहे हैं। हाँ, कॉपी करो।
लिख लिए, लिख के बता दो भाई, लिख लिए? हेलो विदुषी, कर लिया था बेटा? बट नहीं हुआ था। अरे ये वाला सम सर हो गया था। रैप करे? हाँ सर। यस नेक्स्ट बोलो। 18 रुक जाओ, 12 13th 14th 15th 16th 17th सर 16 सर सर 15 15 बोले हो कि 16 बोले हो? दोनों 15-16 देखो एपी के लिए क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है? तो पीएच टर्म दिया हुआ है क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन डी। फिर क्यूएच टर्म दिया हुआ है पी, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ध्यान देना तुमको क्या निकालना है, एमएथ टर्म। एमएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन डी। तुमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एपी में ये बात पकड़ के रखो कि एपी के लिए क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अब इन दोनों दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी निकालना है, माइनस कर दो, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी। तो डी का वैल्यू माइनस वन आ गया, डी का वैल्यू माइनस वन आ गया, और डी को वापस से पुट कर दो इसमें, तो क्यू इज इक्वल टू ए माइनस पी प्लस वन, तो क्यू प्लस पी माइनस वन आ गया ए। तो अब ए और डी को इसमें पुट कर दो, तो क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन, क्यू प्लस पी माइनस एम आ गया टर्म एमएथ। क्लियर है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने पहले क्या सोचा, मैंने पहले यह सोचा कि मुझे ए और डी निकालना है। सॉल्यूशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है, सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप गूगल मारो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, क्यों अप्रोच किया ऐसे, पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अपने को निकालना ये है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए ए और डी। क्या चाहिए, ए और डी, ठीक है कॉपी करो। हो गया। सत्यम ने 13th क्वेश्चन पूछा है, देखो सम ऑफ फोर इंटीजर्स इन एपी इज 24, तो चार इंटीजर्स को एपी में कैसे लोगे, चार इंटीजर्स को एपी में कैसे लेते हैं, बताओ। ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस डी और ए माइनस थ्री डी, ठीक है? तो इन सब का सम क्या दिया हुआ है, इन सब का सम क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है ना? यस।
तो a का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 6। हाँ सर, ये क्लियर है? यस सर। यस सर, ठीक है। और अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, a माइनस 3d इंटू a माइनस d इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 3d, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 945। ठीक है, तो अभी डाल दो a का वैल्यू, 6 माइनस 3d, 6 माइनस d, 6 प्लस d, 6 प्लस 3d इक्वल टू 945। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, 36 माइनस डी स्क्वायर, 36 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 945, है ना? अभी हमने शुरू के दो तीन महीने यही तो पढ़ा था, d स्क्वायर को a ले लेंगे तो 36 माइनस a, 36 माइनस 9a इक्वल टू 945। अभी क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक। यस सर, अभी सॉल्व हो जाएगा। सत्यम, सत्यम जी, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अभी? हम हमेशा a प्लस 3d क्यों लेते हैं? देखो संस्कार क्या होता है ना, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये भी सही है, चार टर्म एपी में लेना कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर यहां पर a प्लस 2d लोगे तो यहां पर तुमको ए लिखना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे। ये सिमेट्री के लिए ऐसा ले लेते हैं ताकि डी वाले टर्म्स कट जाए। ऐसा लेने में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है, ये भी सही है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्लियर है? हाँ बोलो सर। तो ये टू ए प्लस टू डी मतलब कभी भी ले सकता, कुछ रिकमेंडेबल है क्या कि कब लेना है और कब नहीं? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता, जो लेना है उससे लो, सॉल्व होगा। रैप करें? यस सर। देखो बेसिक एक क्या होता है, एक चीज बता देता हूं मैं तुमको। देखो मान लो अगर तीन नंबर्स दिए एपी में, ठीक है, तो हम लोग अगर तीन नंबर्स दिए हैं तो ऐसा लेते हैं a, a प्लस डी, a माइनस डी। अगर पांच नंबर्स दिए हैं a, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a माइनस डी, a माइनस टू डी। अगर चार नंबर दिया है, फोर नंबर्स, तो हम लोग ऐसे लेते हैं a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a माइनस डी, a माइनस थ्री डी। अगर छह नंबर है तो क्या लोगे, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फाइव डी, a माइनस डी, a माइनस थ्री डी, a प्लस फाइव डी। चमक रहा है? हर बार एम वही है कि d वाले टर्म्स जोड़ने पे कट जाए। इधर में कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, और इधर में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, कॉपी करो।
हो गया कॉपी का। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट बोलो। 18 18 जैसा क्वेश्चन तो कराया था ना मैंने उस दिन। इफ सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एपी टू सम ऑफ एम टर्म्स, उस दिन कराया था याद नहीं है कीर्ति? टर्म 11 इज टू टर्म 11, दोनों का टर्म 11 का रेशियो। चलो क्या दिया हुआ है, सम टू एम टर्म्स ऑफ एपी टू सम ऑफ एन टर्म्स, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन डी, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका वैल्यू कितना है बेटा? एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये कट गया, क्या आ गया? टू ए प्लस एम माइनस वन डी बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एम बाई एन, इतना क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब क्या निकालना है, टर्म एम एच टू टर्म एन एच, टर्म एम बाई टर्म एन, बोलो क्या होगा? ए प्लस एम माइनस वन डी ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या करूं मैं कि ये बन जाए, यहां पर m की जगह क्या डालूं कि ऐसा हो जाए? इस वाले इक्वेशन में m और n की जगह क्या डालूं मैं कि ऐसा हो जाए? 2m माइनस वन। अगर इस वाले में अगर m को 2m माइनस वन डाल दिया बेटा और n को 2m माइनस वन डाल दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? 2a प्लस 2m माइनस वन माइनस वन इंटू डी बाई टू ए प्लस टू एन माइनस वन माइनस वन इंटू डी, है ना? समझे कीर्ति? 2m माइनस वन बाई टू एन माइनस वन, क्लियर है आपका? क्या बन जाएगा देखो, ये 2m सब टू टू कट जाएगा ना आपका, क्या आ जाएगा? a प्लस एम माइनस वन डी बाई ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन बाई टू एन माइनस वन, क्लियर है? सर कॉपी कर लियो। हाँ हाँ कॉपी करो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ना बाद? मतलब तब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर आंसर आया। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या किया पूरा बताओ। नहीं सर, फिर वो ए का वैल्यू निकाला डी के टर्म्स में और सब्स्टिट्यूट किया। हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। हाँ सर 16th वाला आप बता सकते हो? हाँ बताता हूँ, कॉपी कर ले कृति वाला। कॉपी कर दिया कीर्ति? हाँ सर हो गया। 16th क्वेश्चन किसी डाउट पूछा है? सर वीडियो चला गया सर। नहीं नहीं आ जाएगा।
सिक्सटींथ क्वेश्चन किस है, ठीक है? तो जिसका भी डाउट है बताओ पे डाउट क्या है इसमें 9, 12, 15 ताकि 306 बन, ठीक है? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझाओ मुझे फिर मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। सर अभी फिलहाल के लिए सब बुक नहीं है सर। बुक नहीं है आपके पास? नहीं सर, दूसरे फोन में एक्चुअली। अच्छा, तो दूसरे फोन में है तो फिर आप क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हो? फिर आपके पास बुक नहीं घर पे क्या? नहीं सर, अभी तक लाया नहीं है सर। क्या नाम है आपका? पद्मश्री सर। मैंने मार्क करके रखे थे, मुझे कौन से डाउट है तो। नहीं नहीं, आपने बुक क्यों नहीं खरीदा अभी तक? सर ले लूंगी। तीन चार महीने तो बीत गए, ठीक है? और क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तुम क्वेश्चन सुनो और सुन के बताओ क्या कह रहा है, ठीक है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 9, 12, 15 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू मेक 306? बोलो क्या मतलब है? ये जो मतलब सीरीज दिया हुआ है इसमें कितने टर्म्स लेके 306 आएगा आंसर? सम करने पे है ना? हाँ ठीक है। तो ये तो एपी है ना बेटा? हाँ। तो एपी का सम क्या होता है? एन बाई टू, टू इंटू एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है? थ्री, इक्वल टू 306, ठीक है? तो अभी आप टू से मल्टीप्लाई कर दो, 18n प्लस 3n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 612 स्क्वायर। चला गया दोबारा, एक मिनट, 3n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 612 इक्वल टू जीरो। थ्री से डिवाइड किया, एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n, अब ये फैक्टराइजेबल है तो बताओ इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं बताए कोई? अरे सबने सॉल्व किया होगा ना, क्या है फैक्टर इसका? तो आ गया ना n का वैल्यू 12। क्लियर है पद्मश्री? हाँ सर। तो तू 10 में तो बड़ी मतलब आज्ञाकारी बच्ची थी, मुझे तो बुक तूने खरीद लिया होगा अभी तक। बाम देना बाम। सर 17th बताओ ना। आ रहा हूँ। कॉपी कर लिए? हाँ सर। If sum of n terms of AP, तो बताया था ना आपको 2n plus 3n square है। I think ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, SN दिया हुआ था। हाँ सर, हाँ क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। 2n minus 1 plus 3n minus 1 का whole square, तो tn क्या होता है? SN minus SN minus 1 क्या हो जाएगा? 2n plus 3n square माइनस टू एन माइनस वन
माइनस थ्री एन माइनस वन का स्क्वायर, तो विच विल बी टू प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो टू एन माइनस वन विच इज सिक्स एन माइनस वन, ये आ गया टी एन। तो टर्म आर एच क्या होगा, सिक्स आर माइनस वन, मैं बार बार कह रहा हूं जो क्लास में पढ़ाता हूं उसको सुना करो प्लीज। अच्छा चांस है आपके पास वापस से चीज को रिपीट करने का, प्लीज सुन लिया करो यार, क्लास में सॉल्व कराया था मैं ये क्वेश्चन। सर हाँ बोलो सर, एक बार 19 बताना मुझे, उसमें थोड़ा डाउट है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ना, 17 तक पहुंचे हैं ना, कॉपी कर ले कोई, सॉल्व करूंगा ना। सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हमको पहले n को 1 मान, इवन और फिर सी, हाँ सही, हाँ फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हाँ सर, मम्मा मोबाइल दो ना, मम्मा का फिर से बम लगा लिया आंख में यार, सब मूर्ख हूँ। दो मिनट दे दो यार, मैंने आंख में गलती से बम लगा लिया। क्या हो गया सर? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा मैंने गलती से आंख में बम लगा दिया अपने। सर दो मिनट इरेज मत कर। सर आईज वॉश कर लीजिए ना एक बार। सर हो गया।
हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 19 हाँ 19 था जो प्रूव दैट सम ऑफ ये तो उस दिन ठीक है प्रूव दैट सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। एक काम करते ना पहले मैंने एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है 11 टर्म ले लो ठीक है तो मान लो 11 टर्म्स हैं एपी में ठीक है बेटा तो क्या होगा A1 A2 A3 A4 A11 भी क्यों ले अपन कम ले लेते हैं 7 टर्म्स ले लेते हैं ठीक है 60 टर्म्स एपी में है ठीक है। हाँ, क्या बोल अब बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ एपी इसका सम क्या होगा बताओ सेवन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी ठीक है कितना हो जाएगा बताओ 7 इंटू ए वन प्लस 3D ये आ गया। अब बताओ इसका मिडिल टर्म क्या है A4 है A4 क्या होगा बताओ A1 प्लस 3D होगा। हाँ सर। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो क्या कह रहा है Prove that sum of odd number of terms of AP is equal to middle term multiplied by number of terms. तो हो गया ना इसका सम देखो क्या आया है number of terms into A4 हो गया प्रूफ। हाँ सर। ठीक है अब इसको आते हैं वेरिएबल में करने के लिए तो वेरिएबल में बताओ odd number कैसे लिखते हैं A1 A2 बोलो odd number क्या होगा A3 An plus A odd number कैसे लिखोगे 2n minus 1 या मैं 2n plus 1 लिखने की मेरी हैबिट है 2n minus 1 भी सही है। यहां तक समझ में आता है? Yes sir। अब बताओ S 2n plus 1 कितना होगा बेटा 2n plus 1 by 2 into 2a1 plus 2n1 minus 1 into d. तो 2n plus 1 into a1 plus nd है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है number of terms yes sir into ये क्या लिखा हुआ है an plus 1 a1 plus nd का मतलब क्या होगा बताओ Tn plus 1 क्या होगा A1 plus N plus 1 minus 1 into D होगा ना बेटा 1 कट जाएगा कितना आएगा A1 plus ND होगा ना number of terms into yes, An plus 1 ये चमका। अब ये मिडिल टर्म है ये कैसे जानते हो बताओ हाउ डू यू नो दिस इज मिडिल टर्म। देखो जब भी और मिडिल टर्म क्या होता है हमेशा बीच वाला टर्म ना तो यहां पे मिडिल टर्म कैसे आ रहा है बताओ 1 plus 7 by 2 is 4 ना 1 plus 7 by 2 is 4 ना ठीक है तो यहां बताओ क्या होगा 2n plus 1 plus 1 by 2 है ना ये होगा ना मिडिल टर्म चमका क्या। हाँ सर कॉपी करो बेटा अच्छे से सर थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाएंगे जैसे कि 2n का हाफ n होता है तो उसमें प्लस 1 कर देंगे तो n plus 1 मिडिल टर्म होगा मिडिल टर्म ऐसे ही समझो ज्यादा अच्छा है फिलहाल आगे मुझे और आगे यूज पड़ेगा तो अभी रहने दो ऐसे ही ठीक है। yes.
कॉपी हो गया? नहीं सर, एक मिनट। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है। ट्वेंटी वन। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, तो क्या लिख लें? A1, A2, A3, A4। हाँ बताओ भाई, लास्ट में क्या लिखूं? A2n। ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। A1 प्लस A3 प्लस A5 is 24, A2 plus A4 plus A6 30. Last term exceeds the first. Maths solve karna is a art. To write the English in the question in the form of equations. 21/2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है? Number of terms निकालना है, ठीक है? So कुछ बताओ, A2n क्या होगा बताओ? A1 plus 2n minus 1 into d और minus A1 21/2। अरे बात चमकती है कि नहीं चमकती है? Yes. 2n minus 1 into 2d कितना आ गया बे? 21 आ गया है ना। अब यहां पर आओ, यहां पे स्मार्टनेस माइनस कर दो ना सीधा इसमें से उसको, तो क्या आएगा? d फिर से d। मेरा क्वेश्चन एक ही है, कितनी बार d आया होगा? n बार ना। अगर ये 1 से 20 लिखा था तो 10 ऊपर लिखा है, 10 नीचे लिखा है, तो 10 ही बार माइनस किया गया ना। मतलब ऐसा जो रिलेशन बन रहा होगा dd वाला, ये कितना बना होगा? 10 का ही बना होगा ना। yes, अरे हेलो, समझे क्या? nd इक्वल टू 6। अरे इतना क्लियर है? अब यहां पे डाल दो तो क्या आ जाएगा बताओ? 4nd माइनस 2d इक्वल टू 21। एनडी का वैल्यू 6 है, तो 24 माइनस 21 इज 2d, तो 2d इज 3। इसमें डाल दो तो n इंटू डी, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ डी का वैल्यू 3/2, तो 6 12 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 2n है ना। नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, विच इज हाउ मच? 8। ये क्लियर है? देखो मैथ्स में जरूरी ये है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन में इंग्लिश दी हुई है उस इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से आप लोग इक्वेशंस में चेंज कर सकते हो। जो जितना जल्दी इक्वेशन में चेंज कर पाता है वो उतनी अच्छी मैथ सीख पाता है। यहां तक क्लियर है? कॉपी करो। और ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होगा, एक लंबा तरीका भी एग्जिस्ट करेगा। और आप चाहते हो इस क्वेश्चन को समझना तो किसी और तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करो।
सर वो सब्ट्रैक्ट करने के बजाय उसको ऐड कर देंगे, फिर वहां से एक इक्वेशन आएगा और यहां से एक इक्वेशन आएगा। वो भी एक तरीका है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, उससे भी हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो सर। लिख रहे हैं। हाँ हाँ लिखो। सर 22 क्वेश्चन। 22, 23, 24 ठीक है मैं करता हूँ, रुक जाओ पहले अब तुम लोग मेरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 24 ऑलरेडी किया हुआ है तो वो नहीं सॉल्व कीजिएगा। और सर आपका वीडियो चला गया। फिर से चला गया, 2 मिनट रुक जाओ आ जाएगा। 22 किया हुआ है सर, 24 वाला। हाँ 24 तक किया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। बड़ी समस्या है, मैं भेजूंगा कैसे इसको। अपना है AP1। AP1 में फोटो लाइब्रेरी से आया ही नहीं है अभी तक। एक मिनट रुक जाओ। मैंने 5 क्वेश्चन भेजे हैं, सॉल्व करिए। व्हाट्सएप किया है जीपी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर ये हॉल एंड नाइट का है।
चालू लाइट बना क्या? हाँ सर कर रहे हैं।
दरवाजा पड़ेगा क्लास सर हाँ बोलो फर्स्ट में आर टू आता है क्या फर्स्ट में आर क्या आता है भाई बताओ टू टू ही आ रहा है टू टू आ रहा है ठीक है लास्ट में सारे आंसर डिस्कस करेंगे ना नहीं उसको डाउट होगा पूछ लिया उसने ठीक है
आ जाओ 4B वापस से डिस्कस करते हैं. कुछ बना होगा ना क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन दिए थे? बने होंगे ना? 4B बोलो, 4B में 21st तक कर लिया है. आगे बोलो सर. ये छोड़ दे अभी, अरे दो क्वेश्चन बचे हैं, डिस्कस कर लेते हैं ना. 22 There are two sets of numbers. There are two sets of numbers. Each consisting of three terms in AP.
एंड सम ऑफ ईच सेट इज 15, ठीक है फाइन. तो दो सेट ऑफ नंबर्स हैं तो ईच, ठीक है कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फाइन. इसमें तीन नंबर्स हैं तो अपन मान लेते हैं ए, ए प्लस डी और ए माइनस डी, और दूसरे वाले में भी नंबर है बी, बी प्लस डी वन और बी माइनस डी वन, ठीक है. इन सबका सम जो है 15 है, इसका भी सम 15 है और इसका भी सम 15 है. तो 15 से क्या इंप्लाई हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 5 और बी का वैल्यू कितना आ गया 5. इतना क्लियर है? और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर बाई 1 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेट. मतलब डी इज ग्रेटर बाई 1, दैट मीन्स डी माइनस डी 1 इज 1. अंग्रेजी पढ़ो चेंज टू मैथ्स, इंग्लिश रीड, रीड द इंग्लिश इन द क्वेश्चन एंड चेंज टू मैथ्स, ठीक है. इंग्लिश में चेंज करो उसको मैथ्स में. एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेट इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड सेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेट टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड सेट. अच्छा मतलब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी बाई बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी वन, डी वन डी वन है, इज इक्वल टू 7/8. यहां तक क्वेश्चन क्लियर है कीर्ति? यस सर. अभी ए और बी दोनों ही 5 हैं, कट गया, ऊपर में क्या आ गया 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, और बी भी 5 है और डी 1 कितना है, डी माइनस 1, 5 प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू 7/8. अभी सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डी में क्वालिटी कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट बोलो. कॉपी कर रहे हैं. हो गया. ठीक है नेक्स्ट बोल, नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है. 23 बनना चाहिए था. Find the relation between x and y such that rth mean. तुम लोग समझ नहीं रहे हो इंग्लिश को. x और y के बीच में पहले बताओ कितने मीन्स डाले गए हैं, n मीन्स ईच केस में. x एंड 2y के बीच में डाले गए n मीन्स, तो a1 a2 an और फिर 2x और y के बीच में भी डाले गए मीन्स b1 b2 bn, ये सारे मीन्स है. सच दैट इसमें जो ar है और इसका जो br है वो सेम है, मतलब ar इज इक्वल्स टू br, ar इज इक्वल्स टू br. अभी तक जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है इतना क्लियर है कि आपको मैंने क्या लिखा है. देखो जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा. बताओ जो बोर्ड पे लिखा है उतना क्लियर है, डाउट है तो एक बार वापस बताओ ना. और क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, ठीक है. पहला लाइन पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं. फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इन ऑर्डर दैट, ठीक है, मतलब हम लोग को रिलेशन निकालना है. सच दैट आरएथ मीन
बिटवीन एक्स एंड टू वाई, एक्स एंड टू वाई में आरएथ मीन जो हो वो सेम जो हो आरएथ मीन जो टू एक्स और वाई में हो, और दोनों ही केस में एन मीन्स इंसर्ट किए गए, मतलब एक्स और टू वाई में एन मीन्स इंसर्ट किए गए, टू एक्स और वाई में एन मीन्स इंसर्ट किए गए, और क्वेश्चन ने कह दिया कि यहां पे जो आरएथ मीन है ए आर वो इसका जो आरएथ मीन है बी आर वो दोनों क्या हो जाए बराबर, वो दोनों क्या हो जाए बताओ बराबर। इतना क्लियर है? यस सर। और आपका वीडियो चला गया। सर वीडियो नहीं है। हेलो हाँ क्वेश्चन क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए आर निकालना है और नीचे वाले से बी आर निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे। चलो ए आर निकालते हैं। ए आर कोई बड़ी बात है ही नहीं है, कहीं पे यहाँ पे ए आर लाई करेगा ना, पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है ना, तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ। तुमने मीन्स वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने सिंपल वाला सॉल्व किया था ना, तो तुम्हें डाउट क्यों आ रहा है? ये जो 2y है इस सीरीज का कौन सा टर्म है? n plus 2। हाँ, n plus 2 minus 1 into d। ठीक है, तो d कितना आ गया, 2y minus x by n plus 1 is d। ओके, सो नाउ ar जो होगा ar वो इस सीरीज का विथ टर्म है, कौन सा टर्म है, आर प्लस वन एक टर्म है, एक्स प्लस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी, टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। तो अपना ए आर क्या आ गया बताओ भाई, एक्स प्लस आर इंटू टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। इतना क्लियर है क्या, ए आर क्लियर है? ऐसे ही बी आर क्या होगा बताओ, y is equals to 2x plus n plus 2 minus 1 into d, तो d कितना आ गया y minus 2x by n plus 1। बेटा क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? तो br कितना आएगा बताओ, बिल्कुल जो क्वेश्चन कह रहा है ना वही लिखना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको, y minus 2x by n plus 1। क्लियर है सभी को? आपका br भी आ गया। अब ar और br को बराबर कर दो, AR और BR को बराबर कर दो, आपके पास X और Y में रिलेशनशिप आ जाएगी। ये क्लियर है? हाँ सर। सर साइड का नहीं देख रहा हूँ। हाँ एक मिनट, अभी एक्चुअली मैंने वो चेंज किया ना, मेरा वो मोबाइल ऑफ हो गया था, अभी देखो दिख रहा है क्या? हाँ सर देखो। ठीक है चलो, सर जो क्वेश्चन में ए आर दिया है वो ए वन से आरएथ टर्म है। हाँ, ए वन का आरएथ मीन बोला ना, आरएथ मीन तो मतलब आपने एन मीन इंसर्ट किया और उसमें आरएथ टर्म।
जब x से पकड़ेंगे तो वो r प्लस वन हो जाएगा. हाँ ओके सर. सर अगर हमको कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है और हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कहाँ तक का, जैसे कि द सम ऑफ आवर जीपी इज एक्स, तो मतलब वो पूरा जीपी ना. हाँ कॉपी कर लिया क्या इसको? हाँ सर. चलो उस दिन जीपी में कहाँ तक कराया था मैंने? आई थिंक जीपी का फर्स्ट, जीपी का टर्म, जीपी का सम और ज्योमेट्रिक मीन, यही कराया था ना मैंने. और प्रॉपर्टी बिटवीन टर्म्स, मतलब पहले वाला और लास्ट वाला का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू सेकंड वाला. ठीक है तो एक और चीज देखते हैं. तो जीपी का सम क्या आया था अपना? आर की पावर आर माइनस वन बाई आर माइनस वन, यही आया था. सेम होगा ना, अगर इसको वन माइनस आर एन लिखोगे तो नीचे भी वन माइनस आर आएगा ना. नहीं समझे? माइनस निकाल के कट हो जाएगा. ठीक है ओके. नाउ देखो, नाउ एक चीज ऑब्जर्व करो तो. अच्छा बताओ वन बाई टू का पावर टू कितना होता है? पावर थ्री कितना होता है? वन बाई टू का पावर फोर कितना होता है? समझ रहे हो? तो वन बाई टू का पावर अगर बहुत बड़ा नंबर कर देंगे तो कहां पहुंच जाओगे? ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाओगे ना. ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है. सो यहां पर क्या होता है ध्यान देना, इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन वन, इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन वन देन इवन इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफिनाइट वी कैन फाइंड द sum of terms in GP. We can find the sum of GP. तो S till infinity क्या हो जाएगा बताओ? A तो रहेगा, R जो है वन से छोटा है तो R की पावर infinity कितना हो जाएगा? जीरो. Yes, sir. अगर R वन से छोटा है तो R की पावर infinity क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो प्लस हो जाएगा ना. तो अपना s ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा बोलो? a 1 माइनस जीरो बाई 1 माइनस r. तो आपका s इंफिनिटी का फॉर्मूला कितना आ गया? a बाई 1 माइनस r. ये बात समझ में आई क्या? यस सर. देखो अब चाहो ना मेरे साथ इस चीज पर तुम घंटों लड़ाई कर सकते हो, ठीक है, बट लड़ाई करने का मतलब नहीं है, बार बार मैं ही सही प्रूव होऊंगा. ठीक है, मैं बस तुमको इतना बता रहा हूं फिलहाल के लिए. आगे वक्त आएगा, समय आएगा, हम एक बार देखेंगे इसका प्रॉपर तरीका क्यों होता है ऐसा जब ट्वेल्थ में लिमिट्स पढ़ेंगे. ठीक है, अभी आप बस इतना समझो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं. अगर R का वैल्यू, R मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो. अगर कॉमन रेशियो जो है माइनस वन से वन के बीच का है तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट भी हो गए ना तो भी सम ऑफ जीपी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? आर की पावर एन कितना हो जाएगा? जीरो प्लस हो जाएगा. तो एस इनफिनिटी क्या हो जाएगा? ए इंटू वन माइनस जीरो बाई वन माइनस आर. तो एस ऑफ इनफिनिटी का आंसर क्या आ गया बताओ?
a by 1 minus r. ये फॉर्मूला वैलिड कब है? जब r माइनस वन से वन के बीच में लेकर होगा. जब r माइनस वन से वन में है और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट होगा. मैं हाँ तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब 1 बाई 2 पावर 4 इन्फिनिटी तक. बताओ सम क्या होगा इसका? 1 ऑलमोस्ट. नहीं रे ऐसे नहीं होगा. सम जीपी है ना, जीपी है ना. क्या होगा? ए बाई ए 1 माइनस हाफ है ना. कितना आ गया आंसर बताओ? 1 1/2 / 1/2 कट गया ना. कितना आ गया आंसर? 1. इतना क्लियर है क्या? यस सर. ये देखो एक क्वेश्चन, 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब. बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 1. क्या है फॉर्मूला? ए बाई कितना आ रहा है बताओ? 1/3. अरे बोलोगे कितना आया आंसर? 1/3. इतना क्लियर है क्या? ये लेकिन एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ना. अरे नहीं नहीं मैं कहा ना उसमें उसमें जो एक्यूरेट वैल्यू कुछ नहीं होती है, ये कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज होती है. ठीक है, वो वैल्यू वहां पर है. जब जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट हो जाएंगे तो तुम्हारा आंसर 1/3 हो जाएगा. दैट इज हाउ वी से दैट. लेकिन वो एकदम करेक्ट तो नहीं है ना, मानने के लिए बोल दिए. नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मतलब एक्चुअली सीरीज की कन्वर्जेंसी के चीजें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, मतलब obviously ना हम इन्फिनिटी पहुंच सकते हैं ना ये सम पहुंच सकते हैं, ऐसा बोल सकती हो? Yes. कॉपी करो. अभी किसी के पास एनसीईआरटी है क्या बगल में क्लास 11th की? तो जो एनसीईआरटी है, एक मिनट तुम कॉपी को तो करो इसको, मैं देखता हूँ मेरे फ्रेम है क्या. तुमको बुक मालूम है क्या एनसीईआरटी क्लास 11 वाली कहाँ रखी हुई है? ब्लू रंग की बुक है, देखो ना है तो. रियान एक बुक होगी ब्लू रंग की एनसीईआरटी लिखी हुई क्लास 11 की, खोजो ना प्लीज. देखो ना कहीं होगी, मुझे नहीं मालूम, खोज ना. कॉपी कर लो. सर ये एनसीईआरटी में से है होमवर्क? ये होमवर्क एनसीईआरटी में से है. तो मेरे पास नहीं है सर, वो थोड़ा साइड में दिखने रहा थोड़ा सा. उसका पीडीएफ मिल जाएगा तेरे को नेट पे, मैं भेज देता हूँ. Okay. एक मिनट, किसी ने क्लास 11th की एनसीईआरटी भेजी तो थी मेरे ख्याल से 9.1 9.2 और 5A. नहीं सर, वो हॉल एंड नाइट के पीडीएफ. सर आपने हॉल एंड नाइट की भेजी थी और स्केट बोर्ड की बुक की भेज नहीं भेजी थी? स्केट बोर्ड का भेजा था. हाँ स्केट बोर्ड का भेजा था, तो एनसीईआरटी का तुम लोग भेज दो ना खोज के.
एनसीईआरटी का तो मिल जाता है, चैप्टर वाइज मिल जाता है ना सर, एनसीईआरटी बुक्स नाम के ऐप में ही मिल जाएगा। हाँ वो चैप्टर वाइज मिल जाएगा। नाइन पॉइंट वन, नाइन पॉइंट टू और फाइव है, कल का होमवर्क है, जल्दी कॉपी करो। एक और क्वेश्चन कराओ। फाइव ए भी एनसीईआरटी का है? नहीं बेटा, फाइव है इसका, हॉल एंड नाइट का। आज डिस्कस नहीं किया ना फाइव ए? हाँ सर। सर आपने फाइव ए थर्टीन तक दिया था तो अभी पूरा करना है। हाँ ये तुमको समझ में आएगी होगा ऑलमोस्ट, कि मैं 90% टाइम जो होमवर्क देता हूँ उस दिन का उस दिन नहीं डिस्कस करता हूँ, अगली क्लास तक वापस मौका देता हूँ। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो। रब करे। यस सर। एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, ठीक है? देखो जरा। वन 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 वन, इसका मैं क्या कर लूंगा सर? टैली मार्क्स है क्या? क्या बेटा? टैली मार्क्स बनाया था आपने? नहीं नहीं नहीं, 7 + 77 + 777 इसका 7 7 7 7 n टाइम्स। कैसे निकाले? जीपी से सम 7 बाहर निकाल लो, 1 + 11 + 111 + 111। ये चमकता है? यस सर। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई, 9 दे दो, 9 दे दो, 9 दे दो, समझे यहां तक? अभी 7/9 है ना, अभी 9 को लिख दो, 10 - 1 इसको लिख दो, 10² - 1 इसको क्या लिख सकते हो? 10³ - 1 चमक रहा है, और इसको क्या लिखोगे अब? 10^(n-1) यहां तक क्लियर है? नाउ व्हाट? 7/n, 10 + 10² (10^n) और ये 1 1 1 1 कितनी बार हुआ होगा? N टाइम। कैसे काउंट किया? 10^1 1 2 3 n, n आ गया। ये चमकता है? अभी ये क्या है? जीपी है, 7/9। तो जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 - 10^(n-1) बाय 10 - 1 - n। ये क्लियर है क्या? हाँ। और ये सभी को क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अगर तुम लोग प्रॉमिस करो कि गूगल नहीं मारोगे क्वेश्चन का, तो तुमको क्वेश्चन दूँ सोचने के लिए कल के होमवर्क के लिए, ठीक है? यस सर। प्लीज गूगल मत मारना, ठीक है? कोई अंतर नहीं पड़ा, तुम सॉल्यूशन जान जाओगे कहीं से तो फायदा नहीं होगा, बस सोचना। कुछ भी रहे बेटा, कुछ भी रहेगा, हमेशा वो नंबर बाहर निकाल के 9 दे के 9 को 10 - 1 लिख देते, वो फिक्स है, ठीक है? अब तुम्हारा होम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो ये है
1 1 1 dot 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 1 और नंबर ऑफ वंस कितने दूंगा मैं, ये डाउटफुल हो गया. नंबर ऑफ वंस कंक्यूब में जा इनटू माइनस 1 मैटर माइनस 1 3 आता है ना, 3 में 3 आता है, तो मेरे को चाहिए कि हाँ 13 और 5. ठीक है, यहाँ पे 65 वंस हैं. प्रूव दैट इट इज कंपोजिट. हिंट, 111 इज 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1. सबको होमवर्क क्लियर है? होमवर्क को सिंपल अपना होमवर्क क्या है मेनली कल का? एनसीईआरटी का 9.1 9.2 है ना? अरे हेलो एनसीईआरटी का 9.1 9.2 और हॉलैंड नाइट का? हॉलैंड नाइट का 5A. और ये क्वेश्चन है कि 111 65 बार लिखा हुआ है, प्रूव करना है कि कंपोजिट है. ठीक है, और हिंट ये है कि 111 का मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1. सभी को सब कुछ क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर. चलो फिर कॉपी कर लो, बस करते हैं अब. सबने बोर्ड पे जो लिखा हुआ है कॉपी कर लिया? हाँ सर किया. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, दो मिनट. कॉपी कर लिया? हाँ सर, हो गया. थैंक यू. चलो बाय बाय, कल मिलते हैं. बाय सर.